मुरादाबाद में मुंडा पांडा ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए सदस्यों ने डीएम कार्यालय पर जमकर नारेबाजी करते हुए ब्लॉक प्रमुख को तुरंत हटाने की मांग की है। जिला अधिकारी से मिले सदस्यों का मांग पत्र लेकर जिला अधिकारी ने सभी से बात की और जानकारी हासिल की। डीएम मुरादाबाद कार्यालय पर पहुंचे सैकड़ों लोगों ने मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। काफी देर तक हंगामा और नारेबाजी होने के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बुलाई गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि वह लोग ब्लॉक मुंडा पांडे के मेंबर हैं और वो लोग ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। इनका आरोप है कि ललित कौशिक ने मदों में भारी घोटाले कर दिए हैं और बिना सदस्यों के हस्ताक्षर किए ही पैसे लेन देन पिछले 2 सालों से किया जा रहा है और पिछले 1 साल से कोई बैठक तक नहीं बुलाई गई है, जबकि प्रति 3 माह में सदस्यों के साथ बैठक जरूरी है। प्रदर्शनकारी सदस्यों ने बताया कि ललित कौशिक प्रमुख के विरुद्ध उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 15 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जिलाधिकारी ने इस पर संज्ञान लेते हुए मेंबर से बातचीत शुरू कर दी है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दिल्ली की रिपोर्ट। ब्लॉक प्रमुख को बर्खास्त करो, ब्लॉक प्रमुख मुरादाबाद, ब्लॉक प्रमुख मुरादाबाद। सरवर जी बताइए क्या पूरा मामला। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरपुर बरियार ब्लॉक मुंडा पांडे से। समस्या ये है कि हमने 3 साल पहले अपना एक लीडर, अपना प्रमुख, अपना नेता ललित कौशिक को ब्लॉक प्रमुख चुना था हमने, सारे सदस्यों ने हमने, लेकिन कारण ये हुआ कि 1 साल तक जब गलत काम होते रहे, हम लोगों ने शिकायतें करनी शुरू करी, तो उन्होंने 2 साल से कोई भी ब्लॉक के अंदर जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों की मीटिंग होती है कोई भी मीटिंग नहीं बुलाई उन्होंने। और एक बार उन्होंने मीटिंग बुलाई थी तो उसमें 15-20 बीडीसी मेंबर पहुंचे थे और 80 बीडीसी मेंबरों के फर्जी साइन करके और प्रस्ताव करते रहे और पैसा जो है निकालते रहे। हमने ये कई बार मुँह जबानी शिकायतें भी करी, वैसे भी करी, लेकिन वो दमंग किस्म के लोग हैं। अगर किसी ने भी जरा सी आवाज़ उठाने की बात करी तो उसने कहीं ज़्यादा नेता बनने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट लगेंगे तुझे मिटवाने में। तो ये इस तरह से हम लोग एक भयभीत हो गए और हमने देखा जब हम अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने वार्डों में गए, लोगों ने कहा कि भाई आपको चुने हुए 4 साल हो गए, आपने कोई काम नहीं करा है, आपने कुछ करके नहीं दिखाया। तो हमने इस बात की शिकायत करी, हमने और भी नेताओं से और अधिकारियों से भी शिकायत करी, लेकिन कोई सुनने वाला तैयार नहीं है, क्योंकि वो दबंग प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इस लिहाज से जो है कोई हमारी सुनी नहीं जा रही बिल्कुल भी। और कोई भी ब्लॉक के अंदर जो भी प्रस्ताव से पैसा निकाला गया है वो सिर्फ फर्जी साइन है बिल्कुल। पिछली बार आप डीएम साहब से मिले थे, आपने धरना पड़ते थे। जी जी जी, तो वो जिला अधिकारी महोदय व्यस्त थे किसी काम में, क्या नाम है, और हमने अपना प्रार्थना पत्र दे दिया था तो मुलाकात नहीं हो सकी थी उनसे। तो हम ये जो एडीएम प्रशासन है, क्या नाम है, उन्हें भी हमने अपना एक प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, इस लिहाज से जो हम अवस्था प्रस्ताव लेकर आए थे तो उन्होंने कहा मैं आपका प्रार्थना पत्र ले लेता हूँ, शिकायती प्रार्थना पत्र, लेकिन अवस्था प्रस्ताव जो का जो प्रार्थना पत्र है आपका ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। तो ये इस लिहाज से जो है अब हम उसके उस दिन के जाने के बाद में गए हैं तो हमारे जो और बीडीसी मेंबर हैं उन्हें धमकाया जा रहा है, बोले सालो तुम्हारा ये करा दूंगा मैं, ये करा दूंगा, इस तरह से धमकी दी जा रही है, कुछ को लालच भी दिया जा रहा है। तो ये इस तरह से एक गुमराह करा जा रहा है, डराया जा रहा है हम लोगों को। तो हम लोग बहुत बड़े भीड़ है, इससे जो है डरे हुए सहमे हुए हैं, क्या नाम है, लिहाजा ऐसे भ्रष्टाचारी प्रमुख का रहने का काम नहीं है, बिल्कुल हटाया जाए। और हमारी जो है जिलाधिकारी से यही मांग है कि हमारा जो अवस्था प्रस्ताव का जो हमारा प्रार्थना पत्र है उसे जल्दी से जल्दी स्वीकार किया जाए और ऐसे भ्रष्टाचारी प्रमुख को हटाया जाए बिल्कुल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.